हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खास राखी के लिए स्पेशल मिठाई, वो भी बहुत आसान तरीका से। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 1 केजी दूध और इसे अब हम हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध में आप देख सकते हैं उबाल आ चुकी है, तो इसे अब हम अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, अब इसे हम 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इस तरह दूध को 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा करके उसके बाद इसमें आप विनेगर या नींबू का जूस डालें तो छेना जो है हमारा सॉफ्ट और रसगुल्ला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह इसे हम हिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। दूध को हमने 1 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और यहाँ पे हम 2 चम्मच विनेगर में 1/2 कप पानी डाल देंगे और इस तरह घोल बना के इस दूध में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हिलाते रहेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा एक साथ ही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि हमें जितना हो सके कम विनेगर इसमें यूज करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा छेना जो है फटना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पानी से भी आप देख सकते हैं अलग अलग दिखने लगा छेना से, तो और इसमें हम विनेगर को नहीं डालेंगे। तो इसे अब हम एक छलनी के ऊपर में कॉटन का कपड़ा रख देंगे और इसे हम छान लेंगे। इस प्रोसेस को आराम से करें क्योंकि इसके जो भाप है वो हाथ में कभी कभी लग जाते हैं। अब इस छेने को हम ठंडे पानी से धो लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पानी से नहीं धोना है क्योंकि हमने बहुत कम विनेगर यूज किया था, तो इसे हम थोड़ा सा पानी से ही धो लेंगे। और इस तरह हम इसका सारा पानी जो है निकाल लेंगे। छेना जो है हमारा अभी भी गर्म ही है। इस तरह आराम आराम से दबाते हुए इसका हम पानी निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं छेना का सारा पानी निकल चुका है। तो इसे एक हम बड़े से प्लेट में डाल लेंगे। देख सकते हैं छेना से अभी भी धुआं निकल रहा है, तो इसे हम और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसका सारा पानी भी जो है अच्छे से निकल चुका है और ये बहुत सॉफ्ट छेना बना है। तो जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो इसी तरह दूध को ठंडे करके ही उसमें विनेगर डालें। अब इसे हम इस तरह ढक के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। यहाँ हम बना ले रहे हैं चाशनी। यहाँ पे हम लेंगे 1 कटोरी चीनी, ये वज़न में 300 ग्राम है। और सेम कटोरी से हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। जितना चीनी लिया था उसका 4 डबल हमें पानी लेना है। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे चीनी को घुलने देंगे। यहाँ छेना हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें इसे ठंडा नहीं करना है और हल्का सा गरम गरम में ही इसे हम अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह हाथ की हथौलियों से इसे मसल मसल के चिकना करना है। इस प्रोसेस में 8 से 10 मिनट आपके टाइम लग जाएंगे, पर जितना अच्छा आप छेना को मसलेंगे उतना ही आपका रसगुल्ला जो है वो सॉफ्ट बनेगा। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना, ना मैदा ना आरारोट। इसी तरह आज हम बिना मैदा और आरारोट के ही बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने छेना को बहुत अच्छे से मसला है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
अब इसके हम बराबर साइज में बॉल्स बना लेंगे। मैं पहले भी बहुत सारी मिठाइयों की वीडियो अपने चैनल पर डाली हूँ, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ टोटल 8 रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। तो अब इसके हाथ के हथेलियों के बीच में रखेंगे दोनों हाथ के, और इसे हम इस तरह पूरा चिकना बॉल्स बना लेंगे। यहाँ मैं थोड़े से रसगुल्ले को लंबे सिलेंडर शेप में बना रही हूँ और थोड़े से को पेड़े के शेप में बनाऊंगी। इस तरह हमें बना के तैयार कर लेना है। अब देख सकते हैं हाथ में भी कितना चिकनाई आ चुका है, क्योंकि हमने डो को जो है बहुत अच्छे से मसला है। आप चाहे तो थोड़े से छोटे भी बना सकते हैं, पर आज मैं बना रही हूँ मलाई चॉप, तो ये थोड़े से बड़े बड़े साइज के रहते हैं। और राखी के टाइम में मिठाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो आप इस तरह घर में बहुत ही आसान तरीके से और कम खर्च में घर में ही आराम से मिठाई बना सकते हैं। यहाँ हमारा चाशनी भी गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें एक एक करके मिठाइयों को डाल देंगे। और इसे अब हम ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। टोटल 6 मिनट हुए हैं, एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे मिठाइयों के साइज जो है साइज में डबल हो चुके हैं, पर ये अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसे हम आराम से पलटाएंगे, नहीं तो ये टूट सकती है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और इसे हम फिर से ढक देंगे। इसे हमें टोटल 20 मिनट के लिए पकाना है, तो इसे हमने फिर से 5 से 6 मिनट के बाद खोला है। तो आप देख सकते हैं मिठाइयाँ हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है, पर अभी भी ये हमारा अच्छे से पका नहीं है, क्योंकि ये सब जो है चाशनी के ऊपर में ही तैर रहा है अभी भी। तो इसे अब हम फिर से 7 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे। अब देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुका है और हमारा मिठाई जो है अभी चाशनी से अंदर आ गया है। तो अब हमारा मिठाई जो है बन के तैयार हो चुका है। छेना को हमने रसगुल्ले को अच्छे से पका लिया है, तो अब इसे हम ढक देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। यहाँ हमारे सारे रसगुल्ले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इसे हम इस तरह के छलनी में निकाल लेंगे। नीचे एक हमने प्लेट रखा है जिससे हमारा चाशनी जो है अच्छे से निकल जाए। सबको अलग अलग करके रखें, एक के ऊपर ना एक ना रखें। अब इसका हम अच्छे से इसका चाशनी निकलने देते हैं, तब तक हम इसके लिए मावा बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक जार और इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम मावा। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मावा है, ये आपको किसी भी डेयरी प्रोडक्ट वाले दुकान में आराम से मिल जाएगी। इसे हम जार में डाल देंगे। इस तरह प्रोसेस करने से मावा जो है हमारा जल्दी बन जाएगा। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मावा ना हो तो आप मिल्क पाउडर से भी आराम से बना सकते हैं। इसमें हल्का सा मिठास के लिए यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी, और कलर के लिए डालेंगे 1 पिंच फूड कलर। यहाँ हमने मावा को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, इसे अब हम पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मावा 1 से 2 मिनट में ही कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, तो इसे अब हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे।
यह मावा को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है और इसे कंटिन्यूसली इसी तरह स्पैचुला से चलाते हुए ठंडा किया है ताकि मावा जो है हमारा सॉफ्ट बने। अब हम इस तरह का पाइपिंग बैग लेंगे और ये स्टार शेप का नोजल लेंगे। नोजल को हमने इसमें डाल दिया है। पहले भी मैं एक बार मलाई चौक की वीडियो की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसमें हमने किसी भी पाइपिंग बैग या नोजल का यूज नहीं किया था। आप उसे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, पर सिर्फ डिज़ाइन अलग है। अब सारे मावा को हम इसमें पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे एक रबड़। यहाँ पे एक मिठाई को मैं इस तरह बटर पेपर के ऊपर मैं रख रही हूँ जिससे हमारा मिठाई जो है उठाने में आसानी हो। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा मावा और इसे अच्छे से नाइफ से इस तरह चारों तरफ मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने मावा को अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अब इस तरह हम इसके ऊपर छोटे छोटे स्टार शेप वाले नोजल से फ्लावर बना लेंगे। मावा जो है थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, इसीलिए ये पाइपिंग बैग से दबाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। ये ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डालें, इससे जो है मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। यहाँ हमारा बिल्कुल हलवाई के तरह मलाई चौप बन के तैयार हो चुका है। और जो लंबे वाले थे उसके बीच में हम इस तरह कट्स लगाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा कट्स होना चाहिए। और इसके बीच में भी हम यहाँ पे मावा फिल कर देंगे। मावा जो है थोड़ा सा और भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, जिससे आप देख सकते हैं दबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। अब इसे भी हम नाइफ से ही अंदर में अच्छे से फिल करेंगे, जिससे मावा का टेस्ट जो है अंदर में अच्छे से आए। अब उसके ऊपर हम फिर से इस तरह का डिज़ाइन बना देंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा सा ग्रीन वाला टूटी फ्रूटी और बीच में हम डालेंगे थोड़ा सा रेड वाला टूटी फ्रूटी। और ये हमारा हलवाइयों से भी अच्छा घर में ही मलाई चौप जो है बन के तैयार हो चुका है। और इस तरह अगर आप राखी में बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगेगी, ये देखने में भी अच्छी दिखती है और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी मलाई चौप की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।